हेलो फ्रेंड्स, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बिहार से जुड़े कुछ खास और महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखने वाले। तो दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। बिहार एक परिचय के अंतर्गत ये मेरा जो है 12वां वीडियो है, जो कि हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, लेकिन ये जो सीरीज चल रहा है इसमें 12वां वीडियो है। और भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें मैंने शामिल किया है, जो कि 27 नंबर क्वेश्चन चलेगा। इसके पहले पार्ट 11 तक जो है 1 से 26 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये जो है बिहार यानी बीपीएससी, बिहार पुलिस और सीडीपीओ और बीएसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, पूछे भी गए हैं, इसलिए प्रीवियस प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में जो है लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात सर्वाधिक है। और जो उत्तर है, उत्तर है दोस्तों गोपालगंज जिला। देखिए, गोपालगंज जिसका लिंगानुपात 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। अब बात कर लेंगे, यहाँ जब से सर्वाधिक लिंगानुपात के रहते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर है, जहाँ 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। तो इसको भी याद में रखना होगा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू शोध संस्थान बिहार में कहाँ स्थित है। ये बिहार बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, पटना और नालंदा जिले में जो है आलू मुख्य रूप से उपजाई जाती है। खैर, उत्तर जो है वो देख लीजिए। देखिए, ये हमारा पटना जिला हो जाएगा, पटना में आलू शोध संस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 29 कि चाय की खेती बिहार किस जिले में होती है। उत्तर है किशनगंज जिला, ठीक है। तो देखिए, किशनगंज जिला जो है ये बिहार के उत्तर और पूर्व का कोना का जिला है, ठीक है, कॉर्नर का जिला है ये। और सबसे ज्यादा वर्षा होता है, इसलिए जो है चाय की खेती भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। और उत्तर है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है बिहार में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 है कि राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ है। और उत्तर दोस्तों मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर दरभंगा आदि का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है लीची खूब सारी खूब मात्रा में होती है। सीतामढ़ी का क्षेत्र है तो ये सारे यहाँ लीची का खूब उत्पादन होता है, हालांकि जो शोध संस्थान है मुजफ्फरपुर में है। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है कि 32 की वाल्मीकि नगर वन अभयारण्य अवस्थित कहाँ है। देखिए, वाल्मीकि नगर जो वन अभयारण्य है वो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। देखिए, वाल्मीकि नगर नाम से यानी वाल्मीकि नगर नाम से जो दो तरह के उद्यान है, एक उद्यान है, एक आश्रयणी है। देखिए, दोनों पश्चिमी चंपारण में है। देखिए, वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 336.65 वर्ग किलोमीटर मतलब में फैला हुआ है, और ये राज्य का एकमात्र पार्क है जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है और इसे राष्ट्रीय व्याघ्र परियोजना में शामिल किया गया है। देखिए, वाल्मीकि आश्रयणी भी है और यह भी पश्चिम चंपारण में ही है, और इसका क्षेत्रफल है 544.62%, है, ठीक है। दो पश्चिम चंपारण में ही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 है कि बिहार में 38वां जिला कौन सा है। उत्तर दोस्तों ये अरवल जिला। अरवल जिला जो है जहानाबाद जिला से जो है काट कर बनाया गया था, क्योंकि ये जिले जो है खासकर उग्र प्रभावित था, इसलिए जो है इसे अलग अलग कर दिया गया है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, ताकि अच्छी से जो है पकड़ बनाया जा सके जिला पे, इसका विकास किया जा सके। तो विकास के लिए जो है जिला को निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखिए 34 है कि अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर अवस्थित है। देखिए, कोइलवर नदी का पुल है, चलिए कोइलवर बोला जाता है, कोइलवर स्थान, कोइलवर पुल के नाम से भी अब्दुल बारी रेलवे पुल को जाना जाता है। तो बिहार में लंबा नदी है, ये लंबा पुल है रेलवे का। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 35 है कि बिहार राज्य के किस जिला में यूरेनियम पाया जाता है। देखिए, यूरेनियम पाया जाता है किस जिला में, और उत्तर है दोस्तों गया। गया जिला में अब यूरेनियम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 36 है कि बिहार राज्य किस स्थान से सोना की उपलब्धता यानी गोल्ड की उपलब्धता है, किस स्थान में। उत्तर है दोस्तों देखिए, ये करमटिया गाँव है। करमटिया गाँव जो कि जमुई जिला के सोनो प्रखंड के अंतर्गत आता है, ये करमटिया गांव, यहाँ सोनो सोना यानी गोल्ड की उपलब्धता है, ठीक है। नेक्स्ट, हालांकि देखिए पश्चिम चंपारण के मनोर सोनहा निम्बुड़िया भटियरवा किस्मी हरहा तथा भुतही नदी में जो सोना मिलने का भी प्रमाण है, लेकिन खैर
अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न जो है 37 है कि बिहार राज्य के किस जिला में जो है सोरा, ठीक है, सोरा खनिज जो है नहीं मिलता है, ये पूछा जा रहा है। और देखिए उत्तर जो है सारण है, यानी कि सारण में जो है सोरा खनिज नहीं मिलता है। इसके यानी कि आप समझ लीजिए कि जो सोरा है ये कहाँ कहाँ मिल सकता है। देखिए सोरा जो है गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा जो है पूर्वी चंपारण, गया, मुंगेर, पटना में भी सोरा मिलता है, लेकिन सारण में नहीं मिलता है। प्रश्न जो है 38 से कोयला, कोयला जो है बिहार में किस जिले में पाया जाता है, ठीक है। और जो उत्तर है ये देखिए औरंगाबाद का जिला है जहाँ कोयला पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न जो है 39 है कि ग्रेफाइट उत्पादन में प्रमुख स्थान कौन सा है। देखिए उत्तर है सिमुलतला जो है ग्रेफाइट उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। हाँ दोस्तों सिमुलतला जो है ये मुंगेर में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 40 नंबर में कि चूना पत्थर बिहार राज्य के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। और उत्तर है दोस्तों यानी कि डी, यानी कि ऑप्शन ए भी हो जाएगा, कैमूर के पठार और सोन नदी के पश्चिमी क्षेत्र में जो है चूना पत्थर पाया जाता है। देखिए चूना पत्थर का मुख्य रूप से इस्तेमाल जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 41 है, बिहार राज्य में बॉक्साइट का क्षेत्र कौन सा है। उत्तर है दोनों या डी हो जाएगा, यानी कि मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी और रोहतास का बंजारी क्षेत्र जो है बॉक्साइट का क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरे देश में पाइराइट के भंडार का लगभग एकाधिकार किस राज्य को प्राप्त है। उत्तर है दोस्तों बिहार जो है पूरे देश में पाइराइट के मामले में एकाधिकार रखता है, तो जिसका यानी कि प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 90.96% जो है पाइराइट बिहार में सुरक्षित है। अब देखिए पाइराइट के भारत का जो एक चौथाई भाग जो है पाइराइट का उत्पादन बिहार ही करता है। अब देखिए पाइराइट का उपयोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में होता है, इसके अलावा रबर, चीनी, कागज आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न जो है बिहार में कौन सा प्रकार अभ्रक का पाया जाता है, अभ्रक कौन सा प्रकार पाया जाता है। उत्तर है दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि मस्कोबाइट और बायोटाइट जो है ये अभ्रक के प्रकार जो कि बिहार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर में कि सेल खड़ी किस खनिज का सिलिकेट है। उत्तर है मैग्नीशियम का ये सिलिकेट है सेल खड़ी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस जिलों के विस्तृत क्षेत्र में जो है चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी का जो बर्तन आपने देखा ही होगा, तो कहाँ पाया था। उत्तर है डी हो जाएगा, यानी कि मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में जो है चीनी मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पाइराइट, फिर से वापस वही से प्रश्न, पाइराइट का उपयोग किसमें होता है, तो ऑप्शन हो जाता है डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी में से, यानी कि रबर, सल्फ्यूरिक अम्ल, चीनी के निर्माण में पाइराइट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कागज बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, खासकर जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न जो है 47 नंबर में है कि बिहार राज्य में पेट्रोलियम किस जिलों में पाई जाती है। उत्तर है दोस्तों किशनगंज और रक्सौल में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है कि मैग्नीज जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है। उत्तर है डी हो जाएगा, यानी कि मुंगेर और गया में जो है मैग्नीज पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 की बिहार राज्य में सीसा किस जिला में पाया जाता है। तो सीसा जो है पाया जाता है किस जिला में, और जो उत्तर है वो भागलपुर में। यहाँ पर र छूट गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसे ऐसे समझे, भागलपुर जिला में जो है सीसा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य में क्वार्ट्जाइट, ठीक है, क्वार्ट्ज किस जिला में पाया जाता है। और उत्तर है मुंगेर में, तो मुंगेर में पाया जाता है क्वार्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 51 है कि बिहार राज्य में गंधक यानी कि सल्फर किस जिला में पाया जाता है। बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान में तो रखना ही होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। तो देखिए ये जो है मुंगेर में ही पाया जाता है गंधक यानी कि सल्फर। नेक्स्ट प्रश्न है एस्बेस्टस जो है एस्बेस्टस किन पहाड़ी क्षेत्रों में यानी किन पहाड़ी में पाया जाता है। उत्तर है
खड़गपुर की पहाड़ी में है। ठीक है दोस्तों, खड़गपुर की पहाड़ी जो है मुंगेर जिला में है। तो ये था कुल 26 प्रश्न, आपको कैसे लगे मुझे अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि और मैं इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। साथ साथ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे बिहार एक परिचय बिहार स्पेशल के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक तो शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।